देश छोड़कर फरार हुए उद्योगपति विजय माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या उनको भारत में एक्सट्राडाइट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, दोनों में क्या फ़र्क है? हमारे साथ मौजूद हैं वकील वी के ओरी साहब, जो कि ऐसे मामलों को देखते रहते हैं, कई सालों से ऐसे मामले कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ये है कि यहाँ से इंडिया से रिक्वायर उनका वारंट ऑफ अरेस्ट गए हैं, उसके बेसिस पर उनको डिटेन कर लिया है और उनके पास 60 दिन का टाइम है चार्जशीट फाइल करने का, यहाँ से फॉर्मल रिक्वेस्ट आने का। तो इसे प्रोविजनल अरेस्ट बोलते हैं। प्रोविजनल अरेस्ट होने के बाद अब 60 दिन कोर्ट वेट करेगी कि उनके खिलाफ कोई मामला बनता है कि नहीं बनता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे भेजेगी और मैजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी होल्ड करेगा, और इंक्वायरी के बाद मैजिस्ट्रेट पाता है कि कोई जुर्म ऐसा हुआ है जो दोनों देशों में जिसके अंदर सजा हो सकती है तभी भेजेगा। तो अभी इन द मीन टाइम मलिया साहब वहाँ बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंस यहाँ भी जिन ऑफेंस में यहाँ बेल हो जाती है वहाँ भी बेल हो जाती है, और वहाँ पे इनफैक्ट ज़्यादा केसों में बेल हो जाती है, तो वो मैजिस्ट्रेट का पावर उनको बेल पर रिलीज करने की। तो सबसे पहले अभी उनको जो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनको सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ पर बेल के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ उसके लिए वहाँ डिसाइड होगा कि इनको जेल में रखना है कि इनको बेल पे छोड़ना है। इस सबके बाद में क्या इसको भारत सरकार के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरीके से अरेस्ट तो एक कामयाबी है कि उनकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बात को ऑनर किया दूसरी गवर्नमेंट ने और उसको अरेस्ट कर लिया, ये एक पहला स्टेप है, इसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता काम, पहला स्टेप हो गया। तो सर, इसके बाद में कितने स्टेप और होंगे जब माल्या यहाँ पर आ सकते हैं? ये वहाँ पर ट्रायल में 2-3 साल कम से कम लगेंगे, दो तीन साल लगेंगे। अच्छा। जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि ये जितने भी हम जैसे माल्या साहब के वकील चैलेंज करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है, और उसके अंदर 2-1 साल लग जाते हैं। पहला जो एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर हुआ था वो 3.5-4 साल में हुआ था। ये कहना जल्दबाजी होगा कि माल्या को अब अगले जो कुछ महीनों के अंदर भारत लाया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 साल से पहले कोई जजमेंट नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो है एक ऑप्शन जो है डिपोर्टेशन का भी होता है, आपने एक्सट्रेडिशन की बात कही, डिपोर्टेशन क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि उनका पासपोर्ट हम पहले ही रद्द कर चुके हैं। नहीं, डिपोर्टेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहाँ रह रहे थे और उनको अरेस्ट किया गया है डेफिनेट मामले में, समझे, डिपोर्टेड करते तो पहले उठा के भेज सकते थे, डिपोर्टेशन का मामला नहीं है, उनके भी वहाँ वकील बैठे हैं, कोई उनको डिपोर्ट नहीं कर सकता, वो तो एक्सट्रेडिशन होकर आएगा, उनका डिपोर्टेशन का पॉसिबल नहीं है। तो अगर होगा तो एक्स्ट्राडिशन ही होगा, डिपोर्टेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक्स्ट्राडिशन में भी ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में हो जाएगा, उसमें भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, 60 दिन का पहले जो वक्त दिया जाएगा, जो कि जांच एजेंसियां हैं उनको अपने सबूत रखने होंगे, उसके बाद ट्रायल होगा, उसके बाद में उस ट्रायल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। और जो कानून के जानकार हैं वी के ओरी साहब, इनका यही कहना है इससे पहले के मामलों में भी जब भी एक्स्ट्राडिशन हुआ भी है तो उसमें भी 3.5 साल से लेकर के 4 साल तक का कम से कम वक्त लग चुका है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।